MIUI 12 on 5 में अगर आपको एक नया फीचर एनेबल करना है जिसका नाम AI बटन है तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस में अगर आपको एक नया फीचर एनेबल करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपका MIUI 12.5 एनहांस Mi 11X में यूज कर रहा हूँ, तो आप ये फीचर को MIUI 12.5 एनहांस MIUI 12 किसी में भी अनेबल कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना होगा और वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक मारना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर देना है। तो अगर आप ये फीचर अनेबल करना चाहते हैं, जो कि फीचर का नाम AI बटन है, इससे आप डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट को बटन्स के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं या अनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको जो बस वॉल्यूम अप प्रेस करना है पावर बटन के साथ, जैसे आप एक बार प्रेस कीजिए तो आपका गूगल असिस्टेंट अनेबल हो जाएगा। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट अनेबल कर मतलब यूज़ करने का आदत है तो ये फीचर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे को पर्सनली ये काफ़ी मतलब हैंडी फीचर लगा, बट मैं उतना गूगल असिस्टेंट यूज़ नहीं करता हूँ, जो ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके लिए काफ़ी एक अच्छा फीचर होगा। तो अगर आप जाइएगा पहले प्रेस AI बटन में, उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टॉक टू गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल सर्च एंड नन, तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर प्रेस वॉल्यूम अप को कीजिए और पावर को तो ये आपका देखने को मिल जाएगा। प्रेस एंड होल्ड में आपको और ऑप्शंस देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं टॉक टू गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल सर्च, ओपन रेयर कैमरा, ओपन फ्रंट कैमरा, ओपन प्रीवियस ऐप, टर्न ऑन फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड रीडिंग मोड, टर्न ऑन रीडिंग मोड, और फिर काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं अराउंड आपको 8-9 फीचर्स जो है इसमें देखने को मिल जाता है। तो प्रेस एंड होल्ड करके ये AI बटन को ट्रिगर कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी एक अच्छा और एक मतलब हैंडी फीचर्स अनेबल हो जाएगा, जैसे कि आपका फ्लैश लाइट वाला जो है काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आप इसके थ्रू अनेबल कर सकते हैं अगर आपको अनेबल करना है तो। मेरे को पर्सनली इसीलिए अच्छा लगे क्योंकि कुछ फीचर्स है जो कि हिडन है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। और आपको डबल प्रेस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको सेम फीचर्स देखने को मिलता है बट आप जो है मतलब प्रेस एंड होल्ड में अलग फीचर अनेबल कर सकते हैं और डबल प्रेस में अनेबल मतलब अलग फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं। तो आप 3-4 फीचर्स को जो है इसके थ्रू अनेबल कर सकते हैं, तो अगर आपको अनेबल करना है तो उसको ट्राई करके देखिए। बस पावर अप और वॉल्यूम डाउन को आपको प्रेस करना है, तो उसको अनेबल करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि काफ़ी छोटा सा एक्टिविटी लॉन्चर है, जो कि आपको शायद पता ही होगा ज़्यादातर हिडन फीचर्स को अनेबल करने के लिए एक्टिविटी लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ता है। तो एक्टिविटी लॉन्चर डाउनलोड कीजिए, सर्च में टैप कीजिए, सर्च में टैप करने के बाद आपको सर्च करना है AI.AI मतलब AI. जैसे आप सर्च कीजिए तो आपको जो है सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, सेटिंग्स सब में आपको देखने को मिलेगा com.android.setting.ai.ai सेटिंग्स एक्टिविटी, तो आपको जो है AI सेटिंग्स एक्टिविटी में टैप कर देना है। बस आपको तीन ही ऑप्शन देखने को मिलता है, लास्ट वाला जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन में टैप करना है। जैसे आप टैप कीजिएगा तो आपको जो AI बटन देखने को मिल जाएगा और देखने को मिल रहा मतलब कि समझ लीजिए आपका फीचर आपका फ़ोन में अनेबल हो गया। तो जाइए इस फीचर को एक्सेस कीजिए, यूज़ कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये हिडन फीचर। आई होप कि शायद आपको ये AI बटन का फीचर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक मारिए, वीडियो में लाइक एम 115 का जो कि आई होप कि शायद आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कीजिए, वीडियो में कमेंट्स कीजिए, पूछिए अगर आपको कुछ भी पूछना है, सजेस्ट करना है, और मैरी क्रिसमस, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए, वीडियोस को शेयर कर ही दिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूं कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।